जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा हिमाचल, हमारी देवभूमि या इंडिया की यदि आप बात करें तो नशा कहीं ना कहीं दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। एक दिन में न जाने कितने लोगों की ये जिंदगी तबाह कर रहा है, न जाने कितने लोगों की फैमिली इससे बर्बाद हो रही है। कहीं ना कहीं आप सभी देख रहे होंगे कि काफी सारे जो इंसिडेंट वगैरह है, कितनी चीजें इस चीज से इफेक्ट हो रही है। सिर्फ एक नशे के कारण किसी का बेटा खो रहा है, कोई बहन अपना भाई खो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक विचारणीय विषय भी है और हम सभी को इसके बारे में सोचना भी चाहिए और इसके बारे में विचार भी करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी से एक ऐसा भाई दिखाने वाला हूँ जो रामपुर बुशहर में अभी कुछ टाइम से वो पेशेंट बनकर आया हुआ था, पर उसके जो हालात थे वो पिछले टाइम से काफ़ी वो उसके सीरियस वो हो चुका था अपने हेल्थ के प्रति। उसके जो हेल्थ इश्यू है वो बिल्कुल डेंजर जोन में वो जा चुका था, उसकी डेथ हो जाती है। यहाँ पर मैं आपके लिए बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो आप सभी इसकी कंडीशन देखें। दोस्तों, आप सभी ने देखा इस वीडियो में कि आखिर एक नशे के कारण पवन नेगी जी है, हमारे रामपुर बुशहर से एक सोशल वर्कर है, उन्होंने ये वीडियो डाला हुआ था। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको थोड़ा इसके बारे में बता दिया जाए। देखिए, एक नशे के कारण उसकी डेथ हो जाती है, उसके हाथ में सिरिंज उसने डाली हुई है, काफ़ी सारे नशे वगैरह, पता नहीं कितने नशे उसने यूज़ किए होंगे। ये जो बंदा आइडेंटिफाई किया गया था, ये शिमला का रहने वाला था, ये भाई शशि नाम था इसका। तो यदि आपको ऐसा कहीं पर लगता है कि कोई ड्रग्स को सप्लाई कर रहा है या कहीं पर कोई ड्रग्स को यूज़ कर रहा है, मैं आपसे ज़्यादा ना कहते हूँ, सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि यार चाहे आपका नियर बाई कोई SP हो, चाहे कोई DSP हो, चाहे कोई भी हो जो पेरेंट्स है या उसके कोई रिलेटिव है, कोई भी यदि आपको ऐसा कुछ लगता है कि ये जानकारी आपको देनी चाहिए, तो दोस्तों आप उस जानकारी को आप ज़रूर साझा करें। क्या होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, सिर्फ उस आदमी की एक ज़िंदगी बच सकती है यदि टाइमली, यदि ऐसा कहीं पर ऐसा कोई पाया जाता है। मैं चाहूँगा जो लोग इसका सप्लाई कर रहे हैं, जो लोग इसका व्यापार करते हैं, उनके लिए मैं ज़्यादा ना कहते हुए, यार आप एक बार देखिए, आपकी भी कोई फैमिली होगी, क्यों आप अपनी फैमिली को बर्बाद कर रहे हैं। आने वाले समय में कितनी आप लोगों को बददुआएँ लगने वाली हैं, लोगों की बददुआएँ लगेगी। अब देखिए, जिसका वो भाई था, जिसका वो बेटा था, न जाने कितने लोग इस तरह मर रहे हैं नशे के कारण। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज को भी थोड़ा जागना होगा इसके प्रति, आप सभी को आवाज़ उठानी पड़ेगी। थैंक यू।